हेलो एवरीवन, मैं पिंकी चौधरी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपका अपना चैनल ज्ञान नीति ट्यूब और सक्सेस चैनल में। आज हम लोग सिंबल कोडिंग करेंगे। सिंबल कोडिंग की प्रैक्टिस जो कि IBPS RRB क्लर्क में डेफिनेटली आपको 5 मार्क्स का देखने को मिलता ही मिलता है। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम लोग डॉट पेन और पेपर का यूज़ किए हुए सिंबल कोडिंग को हम लोग करते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसका फास्ट ट्रिक क्या होता है और किस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन पे मूव करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन। आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको ये दिख रहा होगा ये क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में सबसे पहले चलिए हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इंस्ट्रक्शन, कह रहा है स्टडी द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द बिलो क्वेश्चन। आपको ये दिया गया है, कुछ सिंबल दिया गया है, इसमें लेटर यूज है और नंबर, ये कुछ सीरीज है, ठीक है। इस सीरीज को हमें क्वेश्चन को पढ़ना है और देन हमको सीरीज को क्वेश्चन के साथ हमको इसका आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हाउ मेनी सच नंबर आर देयर विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ लेटर एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ सिंबल। तो क्वेश्चन पढ़ लेने के बाद हमें क्या होता है, हमें एग्जैक्ट याद नहीं रह पाता है कि प्रोसीडियर में क्या कह रहा है और सिंबल उसके बाद फॉलोड में क्या कह रहा है। तो इसका आपको सबसे पहले क्या, बस आपको ये लिखना है, आपको पूछ रहा है क्या, नंबर पूछ रहा है, आप बस इस तरीके से एन लिख लो नंबर, उसके बाद क्या कह रहा है प्रोसीडियर बाय लेटर, प्रोसीडियर मतलब पहले, तो पहले क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए, तो हम इस तरीके से एन लिख लेते हैं। और इमीडिएट फॉलोड बाय सिंबल, जस्ट इसके बाद क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, तो हम एस लिख लेते हैं, लेटर नंबर एंड सिंबल। चलिए हम अपने इस सीरीज में देखते हैं कि कहाँ पे आपको लेटर नंबर एंड सिंबल तीनों साथ में मिलते हैं। तो हम देखेंगे किससे, या तो आप नंबर से पहले फाइंड करो या फिर सिंबल से, क्योंकि इस सीरीज में आपको नंबर दिखेंगे जो कि इजीली दिख जाते हैं और एक सिंबल है जो कि हमें इजीली दिखता है। तो नंबर और सिंबल से यदि हम फाइंड करते हैं तो हमें बहुत कम समय लगता है और हम इस तरीके से क्या करते हैं, आंसर को बहुत फास्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग सिंबल नंबर से देखते हैं, नंबर के जस्ट पहले क्या आना चाहिए, लेटर आना चाहिए, और नंबर के जस्ट बाद क्या आना चाहिए, सिंबल आना चाहिए। तो नंबर के जस्ट बाद सिंबल है, नहीं ये नहीं होगा, नंबर के जस्ट बाद सिंबल है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखो ये नंबर है, इसके जस्ट बाद सिंबल है और यहाँ पे ये लेटर है ए नैन और ये स्टार, ठीक है। तो ये मुझे एक पेयर मिल गया। इसके बाद चलिए हम आगे और फाइंड करते हैं, यहाँ पे नंबर के जस्ट बाद नहीं है सिंबल, ये भी नहीं होगा। नंबर और आगे नंबर है, यहाँ पे नंबर है जस्ट बाद सिंबल, ये भी नहीं होगा। यहाँ भी नंबर के बाद सिंबल है, यहाँ भी नंबर के बाद सिंबल नहीं है, ये भी नहीं होगा। मीन्स कि हमारे सीरीज में ओनली वन, एक ही ऐसा है जो कि लेटर है, नंबर है, फिर सिंबल आता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है हाउ मेनी सच अल्फाबेट आर देयर विच आर इमीडिएट फॉलोड बाय अ सिंबल। तो अल्फाबेट की बात कर रहा है, मीन्स की लेटर की बात कर रहा है, ठीक है। लेटर इमीडिएट फॉलोड बाय अ सिंबल, लेटर के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, इस तरीके से हम लोग एस से डिनोट करते हैं। और इमीडिएट प्रीसीडेड बाय अ नंबर, जस्ट इसके पहले क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, तो हम लोग एन से डिनोट कर देते हैं। मतलब नंबर लेटर फिर सिंबल, तो हम फिर कैसे फाइंड करेंगे, फिर हम नंबर से फाइंड करेंगे, नंबर होना चाहिए, नंबर के जस्ट बाद लेटर होना चाहिए और लेटर के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो नंबर, नंबर के बाद क्या आपको लेटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। यहाँ भी नंबर है, नंबर के जस्ट बाद क्या लेटर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ नंबर है, यहाँ पे लेटर तो है बट लेटर के बाद सिंबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। फिर आप चलो आगे देखते हैं नंबर, यहाँ पे फिर देखते हैं ये नंबर है, नंबर के जस्ट बाद लेटर तो है बट सिंबल नहीं। यहाँ पे देखो नंबर है, नंबर के बाद लेटर है, लेटर के बाद सिंबल है, मीन्स कि हमारा एक पेयर यहाँ पे बनता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग फाइंड करते हैं, तो नंबर आता है हमारा, उसके बाद लेटर तो आता है और सिंबल भी आता है, नंबर है, लेटर है, फिर हमारा क्या, सिंबल है, तो ये भी हमारा सेकेंड हो गया, ठीक है। नंबर लेटर और सिंबल, तो इसमें हमें कितने पेयर मिल गया, दो पेयर मिल गया, जिसके नंबर के जस्ट बाद लेटर और लेटर के जस्ट बाद क्या है, सिंबल है। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये देखो, इसमें क्या कह रहा है हाउ मेनी सच सिंबल आर देयर विच आर इमीडिएट प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट। तो सबसे पहले बात किसकी कर रखा है, सिंबल की, तो हम लोग एस लिख लेते हैं। प्रीसीडेड बाय अल्फाबेट मतलब इसके जस्ट पहले क्या होना चाहिए, लेटर होना चाहिए। अल्फाबेट में हमारा दोनों आ जाता है, वोवेल भी आ जाता है, कंसोनेंट भी आ जाता है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, लेटर लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, इमीडिएट फॉलोड बाय नंबर, इसके जस्ट बाद ये जो सिंबल है,
सिंबल के जस्ट बाद क्या होना चाहिए, नंबर होना चाहिए, ये नंबर होना चाहिए। तो लेटर है, लेटर के बाद सिंबल है, फिर नंबर। हम इसको किससे देखेंगे, फिर हम चलिए नंबर से या फिर सिंबल से भी फाइंड कर सकते हैं। तो नंबर से पहले सिंबल, मतलब सिंबल के जस्ट बाद नंबर होना चाहिए, चलिए हम इसको सिंबल से करते हैं। यहाँ पे हमारा सिंबल के बाद नंबर है, नहीं है। सिंबल के बाद नंबर है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। सिंबल के बाद नंबर है और सिंबल से पहले क्या है, लेटर है। मीन्स कि हमारा एक पेयर यहाँ पे मिलता है, फिर यहाँ पे देखो सिंबल तो है, बस बाद में नंबर नहीं है, ये नहीं होगा। फिर सिंबल के बाद नंबर नहीं है, ये भी नहीं होगा। या उसके बाद ये भी सिंबल के बाद नंबर नहीं है, यहाँ भी नहीं है। मीन्स कि इसमें हमारे एक ही पेयर बनते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए हमको बस कुछ नहीं करना है, बस देखना है कि किसके पहले किसके कर रहा है, बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है ना, पहले यदि हम सिंबल, क्योंकि सीरीज है तो कोई भी और चीज़ मुझे जल्दी दिख जाती है, तो इसमें और में आपको सिंबल दिखता है, क्योंकि सिंबल से हम क्या करते हैं, इजीली फाइंड कर लेते हैं, इसलिए हम लोग सिंबल से सर्च करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट वुड बी सेवन टू द लेफ्ट ऑफ द एलिमेंट विच इज एट एलिमेंट फ्रॉम द राइट हैंड। देखो बात किसकी कर रहा है, इसका क्या ट्रिक होता है, इसमें हम लोग ईजी कैसे करते हैं, यदि डायरेक्शन डिफरेंट हो, जैसे कि ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो डायरेक्शन यदि हमारा डिफरेंट दे रखा होता है तो नंबर को हमें क्या करना पड़ता है, ऐड दे रखा है। जैसे कि राइट और लेफ्ट की बात करना कर रहा है, इसमें नंबर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो सेवन है और यहाँ पे क्या है, एट है, तो ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, फिफ्टीन। लेकिन फिफ्टीन किससे, राइट से या फिर लेफ्ट से, तो जिसमें इंड लगा हुआ है, इसमें देखो राइट इंड लगा हुआ है, तो हम लोग इसमें राइट इंड लिखा हुआ है, तो हम लोग जिसमें इंड लगा होता है उस साइड से जाके हम लोग नंबर को करते हैं। तो इसमें राइट इंड से 15 जाना है, तो राइट इंड हमारा इधर से राइट हो गया और ये कॉर्नर हमारा लेफ्ट होता है, तो राइट से 15। तो चलो हम काउंट कर लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, मतलब कि 15 नंबर पे कौन आ गया, एम आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। क्लियर है? यदि आपको ये राइट लेफ्ट, मतलब कि आपको यदि डायरेक्शन डिफरेंट दिया होगा तो नंबर को ऐड करना है, अगर डायरेक्शन सेम दिया रहता है तो नंबर को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। जैसे कि यदि आपको राइट राइट की बात करता ना, तो इसमें आप क्या करते, इस नंबर में से माइनस कर देते, ठीक है। एट माइनस सेवन करते आपको वन मिल जाता, किससे, जिसमें भी इंड लिखा होता उससे हम जा देखते, ठीक है, उससे वन जाते। यदि राइट इंड लिखा होता ना, तो राइट इंड से तो वन नंबर पे चले जाते, ठीक है। उसके बाद यदि आपको लेफ्ट या लेफ्ट लिखा होता तो इसमें भी क्या होता, लेफ्ट लेफ्ट में लिखा होता, इसमें भी हमारा माइनस होता, सब्ट्रैक्ट होता, ठीक है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। उसके बाद फिर ये देखो इसमें क्या कह रहा है, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर बिटवीन सिक्स एलिमेंट फ्रॉम द लेफ्ट इंड। लेफ्ट इंड से कह रहा है, तो लेफ्ट इंड हमारा इधर हो गया, तो लेफ्ट इंड से सिक्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मीन्स कि 9 की बात किया, ठीक है। उसके बाद फिर क्या कह रहा है, एंड टेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट इंड, राइट इंड से टेंथ में, इसके बीच में कितने अल्फाबेट है। तो राइट इंड से टेंथ सबसे पहले हमको इधर काउंट करना है कि टेंथ कहाँ पे आता है, तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10 हमारा कौन सा आ गया, परसेंटेज। अब हमें देखना है कि 9 और परसेंटेज के बीच में हमारे कितने लेटर आते हैं, ठीक है, अल्फाबेट के कितने नंबर आते हैं। तो चलो हम काउंट कर लेते हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ पे 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15, ठीक है, 15 आए ना हमारे ये अल्फाबेट में, हमारे 15 नंबर आए। चलिए एक बार फिर से इसको देख लेते हैं कि कितने आते हैं, क्योंकि ये नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं ना, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, 1 ये हो गया, 2, 3, 4, 5, 6 ये हो गया, 7, 8 ये, 9, 10, 11, 14, 15 एंड ये हो गया हमारा 15, 16 आया, ठीक है, है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 and 15 और ये हो गया 16। तो हमारा आंसर इसमें कौन सा होगा, 16 होगा, मतलब कि सी हमारा आंसर बनेगा, ठीक है। इसको बहुत बहुत ध्यान से इसको क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है, ठीक है। थोड़ा सा भी मिस्टेक हो जाता है, यदि एक भी कोई लेटर यदि छूट जाएगा तो आपको इस तरीके से ऑप्शन दिया रहता है, देखो यहाँ पे 15, 16, 17 सारा दिया होता है, ठीक है।
तो आपको एक नंबर छूटेगा तो भी गलत होगा, एक एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है फिर भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो हमको बहुत केयरफुली इसको, तो इसको करने का क्या है, आपको स्क्रीन पे ना, जैसे यहाँ पे मैं पेंसिल रख रही हूँ ना, तो आप अपना उंगली को ना, कंप्यूटर रहता है आपके सामने में, आप उंगली को इस तरीके से रखते जाना जितने नंबर है, फिर काउंट करना। तो ऐसे में क्या होता है, गलती होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, गलती नहीं के बराबर होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब फिर से ये हमारा सेकेंड सीरीज आ गया, ठीक है, ये सेकेंड सीरीज है। अब इसके डिफरेंट सीरीज है, अब हमारे इसमें भी क्वेश्चन डिफरेंट है। IBPS क्लर्क में आपको RRB क्लर्क का जो एग्जाम हमारा होने वाला है ना, उसमें आपको 5 मार्क्स डेफिनेटली इसके रहते ही रहते हैं, इसीलिए हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारे एक भी क्वेश्चन छूट ना सके। तो चलिए ये 5 मार्क्स पक्के हमारे, तो चलिए हम इसके क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, If all the consonant are dropped, which of the following element will be पहले 7 from the right end? ठीक है, right end से 17। तो आप चलो इसमें हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, हम इसमें कह रहा है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ड्रॉप करने के लिए कह रहा है किसको, कंसोनेंट को। तो इस सीरीज में से क्या करेंगे, सभी कंसोनेंट को यदि हटा दिया जाता है तो राइट इंड से जो है वो 7th पे कौन आएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप क्या करो, कंसोनेंट को हटाते चलो और इधर से ऐड करते चलो कि 7th पे कौन, 17 पे कौन सा आएगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 और ये रहा हमारा 16, ठीक है, और ए हमारा 17 पे हमारा कौन सा आया, ए आया, मतलब कि हमारा सी हमारा आंसर बनता है, ठीक है, 17 पे कौन सा है, ए है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसमें जितना भी कंसोनेंट बोला था ना, तो कंसोनेंट को रिमूव कर दिए, बट हमें वोवेल तो देखना था ना, तो इसलिए हम वोवेल को ऐड करते चले गए, ठीक है। आप क्या करना है, जब एग्जाम देना तो स्क्रीन पे अपना उंगली रख के इस तरीके से, आप जिस तरीके से हम पेन रखते हैं ना, तो आप अपनी उंगली को इस तरीके से रख के यहाँ पे काउंट करके कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इफ द लास्ट 15 एलिमेंट आर रिजर्व देन रिवर्स, सॉरी, If the last 15 element are reversed, then which of the following element is 22 from the left end? बोल रहा है कि right end से जो है ना, वो 15 element को क्या कर रहा है, उलट के रख दिया जा रहा है, ठीक है। तो फिर हमारा left end से 22वें स्थान पे कौन से नंबर या सिंबल जो भी है, कौन से तत्व आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखो, हिंदी में भी पढ़ लो एक बार, यदि अंतिम 15 तत्वों को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तो बाएं छोर से 22वां होगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, हमको उलट करके लिखना नहीं है, हम लोग काउंट कर लेते, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 1, 15, यू, मतलब कि यहाँ से क्या होगा, ये उलट हो जाएगा, मीन्स कि ये 4 यहाँ आ जाएगा, ये यू क्या हो जाएगा, लास्ट में जाएगा। लेफ्ट एंड से काउंट करना है, तो चलो यहाँ से हम यहाँ तक तो सेम ही रहेगा ना, तो काउंट करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और हम इधर से ऐड करेंगे 17, 18, 19, 20, 21, 22 एंड हमारा आंसर आया, मतलब कि ई हमारा आंसर है, क्लियर है। मतलब उलट के लिखने में टाइम जाएगा ना, तो उलट के नहीं लिखना है, पलटना नहीं है, बस हमें क्या करना है, जानते हैं कि ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो इसके बाद तो ये 4 ही आएगा ना, तो इसके बाद जस्ट हमको 4 को क्या करना है, लिखना स्टार्ट कर देना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इसमें क्या कर रहा है, फाइंड द ऑड वन ऑड, ऑड हमें जो भी है उसको फाइंड करना है। एस एट द रेट एच, एस है एट द रेट एच है, मतलब कि बीच में 1 का गैप है, जी 3, 2, यहाँ पे देखो ये जी है, ये 3 है, 2 है, बीच में 1, 1 का गैप है, ठीक है। ए एल डब्ल्यू, यहाँ पे ए है, फिर एल है, फिर यहाँ से ये डब्ल्यू है, बीच में 1 का गैपिंग है। यू 5 पी, यहाँ पे यू दिया हुआ है, यहाँ पे 5 दिया हुआ है, यहाँ पे पी दिया हुआ है, तो आई 0, 4, तो आई हमारा कहाँ पे, यहाँ, यहाँ से आई के बाद ओ, ठीक है, आई के बाद ओ के बीच में कितना है, 2 बर्तन दिया, मतलब कि ऑड हमारा यही है, मतलब कि ई हमारा आंसर हो गया, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, हाउ मेनी वोवेल्स आर इमीडिएट प्रीसीडेड, वोवेल की बात कर रखा है, वी
प्रीसीडेड बाय अ नंबर, तो प्रीसीडेड मींस क्या होता है, पहले पहले एक नंबर, एंड इमीडिएट फॉलोड बाय अ सिंबल, तो जस्ट इसके बाद क्या होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए। तो चलिए हम इस सीरीज को सर्च करते हैं, नंबर वॉवेल देन सिंबल। तो नंबर हमारा ये है, इसके बाद वॉवेल है नहीं है, नंबर के बाद वॉवेल ये भी नहीं है, नंबर के बाद वॉवेल देन सिंबल, ये हमारा एक हो गया, नंबर के बाद वॉवेल नहीं है, नंबर के बाद वॉवेल नहीं है, नंबर के बाद वॉवेल भी नहीं, इस भी नंबर के बाद वॉवेल नहीं है, और ये नंबर नंबर के बाद वॉवेल ये भी नहीं है, मतलब कि हमारा आंसर होगा बी, केवल हमारा ये एक ही पेयर है जो कि नंबर के बाद वॉवेल और वॉवेल के बाद सिंबल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, ये हमारा आंसर हो गया। एग्जाम में हमें इसी तरीके से करना है, हमें इसमें टाइम नहीं लगाना होता, ये 5 क्वेश्चन 1.5 से 2 मिनट में आराम से कर सकते, यदि प्रैक्टिस रहता है तो कम से 2 मिनट में ये 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करने के बाद ऐसा हो पाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लगता है ये वीडियो और आपके लिए कितना हेल्पफुल है। IBPS RRB कलर का जब तक एग्जाम आता है, मैं आपके लिए ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाती रहूँगी जो कि एग्जाम तक आपको बहुत हेल्प करेगा। यदि आप पहली बार YouTube पर आ रहे हो तो YouTube को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। थैंक यू।